Hello everyone, welcome to 32 Happy Teeth. Today we'll be studying Engel and Levine standardization of endodontic hand instruments. So let's start the video. I have already drawn an endodontic hand instrument picture. So hum point wise sare standardization ko samjhenge. So coming to the first point, instrument ka ek ek number hota hai. So that number will start from 10 till 100. When you go from 10 to 60 number instruments, it will advance by 5 units, and after 60 to 100 it will advance by 10 units. Like for example, like maine 10 number instrument liya, 10, then ab hum 60 ki taraf ja rahe hain, to next instrument jo aayega wo 5 se advance karega, matlab hamara dusra instrument jo rahega uska number 15 rahega. Then after that it will be 20, 25, likewise it will go up to 60. And then over here 60 ke baad, jab hum 60 reach kar lenge, uske baad we will go to 70, because it will advance by 10, not by 5. So we will go to 70, then 80, then 90, and finally 100. Now this has been revised from 6 to 140. So ab jo instruments hai unke, jise pehle jo instruments ke number rehte the wo 10 se 100 ke beech rehte the, ab jo hai number wo 6 se 140 ho chuka hai. Now coming to the second point, this hamare instrument ka number rahega wo determine karega hamare instrument ke tip ke diameter ka. जैसे इन डाटो इन हंड्रेड ऑफ मिलीमीटर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 10 नंबर का इंस्ट्रूमेंट लिया, तो हमारा जो टिप रहता है, दिस इज द टिप, ओके, एंड दिस टिप इज डिनोटेड एज D0, एज यू कैन सी ओवर हियर इट इज D0. तो D0 जो रहेगा हमारा, मतलब द डायमीटर एट द टिप, इट विल बी 10 बाय 100, सो इट विल बी 0.1 mm. तो हमारा अगर 10 नंबर का इंस्ट्रूमेंट है तो हमारा टिप का डायमीटर इन मिलीमीटर रहेगा, हंड्रेड ऑफ मिलीमीटर में, सो दिस इज द टिप डायमीटर. लाइकवाइज इफ यू गो फॉर 25 नंबर, सो द D0 विल बी 25 अपॉन 100, सो द टिप डायमीटर इज D0 इज 0.25 mm. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज जो हमारा वर्किंग एरिया रहेगा, जो हमारा वर्किंग ब्लेड या फ्लूट रहेगा वो एक्सटेंड करेगा अप टिल 16 mm फ्रॉम D0. जो D0 है, D0 से 16 mm तक, 16 mm तक हमारा वर्किंग एरिया रहेगा, ओके, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड D16. सो दिस इज D0 एंड दिस इज D16. द टिप इज द D0 एंड द एरिया, द पॉइंट वेयर द वर्किंग फ्लूट एंड इज D16. सो D16 विल बी from D0 to 16 mm, that will be our working blade, or you can say flutes hamare 16 mm tak extend karenge. Now coming to the fourth point, the fourth point is ki hum kaise D16 ko calculate kar sakte hain. D0 to hame pata hai, that is the number of the instrument, the numbering of the instrument upon 100. Now D16 is D0 plus 0.32 mm. This is the formula to calculate D16. For example, let's take an example, like I'm going for 10 number instrument. So for 10 number instrument, D0 will be 0.1 mm, and D16 will be 0.1 plus 0.32, so that is 0.42 mm. सो लाइकवाइज आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं D16. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, ये जो हमारी टिप रहती है, द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट हैज एन एंगल ऑफ 75 डिग्री प्लस माइनस 15 डिग्री. दिस इज द एंगल, एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द एंगल, एंड दिस एंगल विल वेरी फ्रॉम 75 डिग्री प्लस माइनस 15 डिग्री. दिस इज द एंगुलेशन ऑफ एन एंडोडोंटिक हैंड इंस्ट्रूमेंट. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का साइज रहेगा, इट विल इंक्रीज बाय 0.05 mm एट D0 बिटवीन 10 to 60. जब आप 10 to 60 तक जाएंगे, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट का टिप डायमीटर रहेगा, D0 रहेगा, वो एडवांस करेगा 0.05 mm से, एंड देयर आफ्टर फ्रॉम 60 to 150, ये आपका रेंज करेगा, मतलब ये आप D0 आपका इंक्रीज करेगा 0.1 mm से. ये कैसे, ये हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट का D0 जो रहेगा वो रहेगा हमारा 0.1, 15 नंबर का इंस्ट्रूमेंट का D0 0.15, इसका 0.2, इसका 0.25. सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 0.05.
0.05 एंड 0.05. सो दिस इज़ वॉट दे आर टेलिंग कि जब आप 10 टू 60 की तरफ आप इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाएंगे तो आपका जो डी जीरो होगा इट विल एडवांस बाय 0.05 एमएम. एंड नाउ कमिंग टू 60 टू 150. दिस इज 60, 70, 80. सो इट विल बी डी जीरो विल बी 0.6, 0.7, 0.8. सो इट इज एडवांसिंग बाई डी जीरो एडवांसिंग बाई 0.1 एमएम. सो दैट्स वॉट दे आर टेलिंग. इन केस ऑफ 10 टू 60 इट विल एडवांस बाई 0.05. इन केस ऑफ 60 टू 150 इट विल एडवांस बाई 0.1 एमएम. नाउ टू द सेवेंथ पॉइंट. पॉइंट ये है कि जो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे ऑल आर कलर कोडेड. उनका जो हैंडल रहता है, जो टिप रहता है, जैसे यहाँ आप देखिए ये जो हैंडल है इट इज़ कलर कोडेड. सो ये जो होता है ये इट इज़ फॉर बेटर. सो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैंडल्स होते हैं वो कलर कोडेड होते हैं फॉर ईजियर रिकॉग्निशन. आप उस तरीके से आप आसानी से अपने इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एंड इट विल सेव योर टाइम. नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट. प्लांटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में नंबर 6 एंड नंबर 8 को भी इंट्रोड्यूस किया फॉर इंक्रीज इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन. अब हम ये कलर कोडिंग समझते हैं. अब यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट के नंबर्स लिख दिए हैं फ्रॉम 6 to 55 एंड मैंने उनका कलर भी लिख दिया है. जैसे देखिए 6 नंबर का इंस्ट्रूमेंट दैट इज पिंक, 8 नंबर इंस्ट्रूमेंट इज ग्रे, 10 इज पर्पल, देन वाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक. और उसके बाद ब्लैक के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा होता है. ये सेम ऑर्डर फ्रॉम वाइट टू ब्लैक ये फिर से रिपीट होगा. इट विल गो ऑन एज वाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, सिमिलरली अप टिल 150. अब मैं आपको इसको याद करने का एक सिंपल तरीका बताती हूँ. जैसे ये पिंक ग्रे पर्पल है इसको आप पीजीपी कर दीजिए. इट इज पिंक ग्रे पर्पल एंड फ्रॉम हियर टिल ब्लैक, वाइट टू ब्लैक आप ऐसे याद रखिए. वॉट यू रीड बिफोर गोइंग टू बेड. सो इट इज वाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक. तो इस तरीके से आपको जितनी भी कलर कोडिंग है आपको कलर कोडिंग भी याद हो जाएगी और आपको नंबर्स भी याद हो जाएंगे. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.